हेलो व्यूअर्स, हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है, जिस घर में क्लेश होता है, आपस में बनती नहीं है, तो उसके लिए ये उपाय करें। बेलपत्री का जो मध्य भाग होता है, बेलपत्री का जो बीच की पत्ती होती है, ये जो बीच की पत्ती है बेलपत्री की, इस बेलपत्री की पत्ती पर उस लाल चंदन से केवल श्री का संबोधन लिखना है, केवल श्री, और इन दो पत्तियों पर अम का संबोधन लिखना। अम का संबोधन से मतलब है केवल एक एक बिंदी रखना है आपको, मात्र जैसे सिर पे बिंदी लगाते हो, बस एक एक बिंदी उस लाल चंदन की रखना। ये देखिए, ये लाल चंदन से हमने श्री लिखा है और दो बिंदी लगाई, इस तरीके से लगाने को कह रहे हैं महाराज जी। तो इसे 108 पत्तियां इसी तरीके से तैयार करनी है, कच्चे सूत के साथ या मौली के साथ इसकी माला बनानी है इन 108 पत्तियों की, और घर में इसे 2 घंटे रखना है, हर एक सदस्य के हाथ से टच करवाना है, और 2 घंटे रखने के बाद हनुमान जी के मंदिर में ये हनुमान जी को पहनाना है। हनुमान अष्टमी के दिन, हनुमत अष्टमी के दिन उसको गले में डाल दीजिए। जिंदगी में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता उस घर का व्यक्ति, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अच्छे फल के लिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव का जयकारा जरूर।